फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में एक जो संभावित जो लिस्ट चल रही थी विधानसभा में किनको मंत्री बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के जो 28 जो नए मंत्री बने हैं उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि यह मंत्री होंगे, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, हमारे भाई साहब बनेंगी, हमारी मैडम विधानसभा में मंत्री बनकर पहुँचेंगी। लेकिन सभी कयासों के बाद जब अंदाज़ा लगाया गया तो कुछ ऐसे मतलब 75% के करीब जो नए मंत्री बनाए गए हैं उन्हें कैबिनेट भी दिया गया है, पहली बार के जो विधायक हैं उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ जो बात करें तो 18 जो हैं कैबिनेट मंत्री बने हैं, 6 जिनमें स्वतंत्र प्रभार मिला है और 4 जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। ये तो रही एक बात, लेकिन कुछ जो नाम चल रहे थे, जिस तरह से देवास ज़िले की बात चल रही थी कि देवास ज़िले में 05 का एक जो बात रही है, लेकिन 05 का कुछ नहीं हुआ। एक ही आम लोग यहां पर मौजूद हैं, भाई साहब ये बताएं कि देवास ज़िले में 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, देवास में सोचा था कि मंत्री बनेंगे क्या? नहीं, हमें तो यह सुन के बहुत निराशा हाथ लगी है कि हमारे देवास ज़िले से 5 विधानसभा से किसी को भी मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। अच्छा, ये हमारे साथी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप ये बताएं भाई साहब के 5-0 का यहाँ पर जो खेल रहा, मतलब जिस तरह से, और 5 विधानसभा से एक अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, तो क्या ऐसे में देवास ज़िले को एक भी मंत्री नहीं मिलना, क्या लगता है आपको? देखो, ये कहीं ना कहीं पूरे देवास ज़िले के साथ एक पक्षपातपूर्ण रवैया कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि देवास ज़िले के तमाम मतदाताओं ने जो एक आस लगा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं से देवास ज़िले को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज दरकिनार हो गई और देवास ज़िले को कहीं किसी भी राजनेता को मंत्री का पद नहीं दिया गया, जबकि कहीं ना कहीं हर मामले में देवास ज़िला इस चीज़ के लिए बिल्कुल पर्याप्त अनिवार्य था कि देवास से किसी न किसी को मंत्री लिया जाता, चाहे देवास प्रॉपर हाट पिपलिया की बात करें, देवास प्रॉपर की बात करें, खातेगांव की करें, सभी इतने सीनियर विधायक है कि जो कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बिल्कुल लायक थे, और यह देवास के साथ एक तरह से देखा जाता पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे साथी मुर्तजा सैफी जी भी हैं यहाँ पर मौजूद, हम मुर्तजा भाई से जानेंगे कि किस तरह से वो भी लगातार पूरे चुनाव में रहे, और चुनाव के जो बाद 3 दिसंबर का जो एक जो आया चुनाव परिणाम उसके बाद भी वो सक्रिय रहे, लेकिन जो देवास ज़िले की बात करें, उज्जैन संभाग की बात करें, तो चैतन्य कश्यप के अलावा किसे भी यहाँ पर मंत्री नहीं बनाया गया, आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, जिस प्रकार देवास की 5 विधानसभा को प्रचर जीत भाजपा में मिली है, इस तरह से सभी कयास लगाए जा रहे थे कि ये हमारे देवास को ज़िले को कम से कम एक मंत्री तो, या 2 मंत्री की बात भी चल रही थी कहीं नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन एक मंत्री तो दिया जाना था, और ख़ासकर प्रॉपर देवास में, जो कि यहाँ पर गायत्री जय पवार जिनके समर्थक उम्मीद लगा रहे थे, जो कभी यहाँ पर पहले से कभी नहीं हारा है, वो चीज़ देखना चाहिए था संगठन को कि यहाँ पर कभी भाजपा कभी हारी नहीं है और पहले से जीतता आ रहा है, तो इस हिसाब से एक मंत्री पद यहाँ पर मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। और दूसरी बात, आशीष शर्मा की बात भी चल रही थी खातेगांव से, मनोज चौधरी हाटपिपलिया से, ऐसे को एक मंत्री जहां पर 5 सीटें जो हैं भाजपा को मिली है, कहीं ना कहीं यहां पर देवास ज़िले को दरकरार किया जा रहा है, क्या पता उनकी क्या मंशा है। अब बात भी आ रही है कि अगले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो निराशी हाथ लगी, देवास का एक भी नहीं मिल पाया। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और देवास ज़िले से एक भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं, क्या लगता है, क्या कहना है आपका? मुझे आज पता चला तो मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री राजे को बनाना चाहिए था। अच्छा, क्यों लगता है आपको? कि आप देवास की बेटी हैं कि बहू हैं देवास? नहीं, मैं देवास की बेटी हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ से, आपका ससुराल कहाँ पर है? मेरा महू है सर। अच्छा, तो ससुराल आपका महू है, तो वहाँ तो कैलाश जी को इंदौर से बनाया है, तो देवास में बनाना चाहिए था। अच्छा, बनाना, बिल्कुल बनाना चाहिए था। ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इस विस्तार को लेकर देवास में किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, क्या लगता है आपको, क्या सही है, क्या लगता है आपको? अब ये तो पार्टी जो डिसाइड करे वो होता है, किसी ने सोचा था कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं ना, तो नए युवा को लाए हैं और कुछ अच्छा करने के लिए लाए हैं, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये आंटी ये बताएं कि जिस तरह से अपने देवास में जो लोकल की बात होती है, एक महिला यहाँ से विधायक हैं गायत्री राजे पवार, तो आपको क्या लगता है, क्या उन्हें मौका देना चाहिए था? हाँ, देना चाहिए था मौका तो एक बार।
मंत्री बनना चाहिए। हाँ, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था। अच्छा है उनका भी काम। अच्छा, ये हमारे एक पत्रकार साथी अशोक वर्मा जी भी मौजूद हैं। आप भी पॉलिटिकल कहीं ना कहीं आपका वजूद रहा है भाजपा कांग्रेस में। क्या जो अभी विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें जो अब नए मंत्री बने हैं तो देवास जिला अछूता है। हम क्या चारत हमारी उम्मीद थी देवास जिले के सभी मतलब विधायकों की कि यहाँ का कोई मंत्री बने, जैसे गायत्री राजा पवार हैं, इनके जो तुक्कोजराव पवार वो भी मंत्री रहे हैं। तो देवास के जो पब्लिक को काफ़ी उम्मीद थी कि देवास की जो विधायिका है गायत्री राजा पवार, उनको कहीं ना कहीं मंत्री का पद मिलने वाला है। दूसरी बात करें हम राजा सोनकर जी की, वो भी संघ से आते हैं, तो उनकी भी उम्मीद थी। आशीष शर्मा जी भी अपनी उम्मीद, तो कुल मिला के देवास को पूरा एक दरकिनार कर दिया उन लोगों ने। तो देवास को किसी को मंत्री बनाना था मेरे हिसाब से। ये अपने भाई साहब ये बताएं कि आप ये बताएं कि देवास में मतलब जिस तरह से एक पेड़ होता है, जैसे पेड़ के किनारा आप खड़े हैं, तो क्या देवास ऐसे ही अछूता रहेगा? नहीं, अछूता क्यों रहेगा? अछूता तो आज तक रहा है ना रहेगा। नहीं, मंत्रालय की बात, मंत्रालय की बात में तो गोजीराव पवार को मंत्रालय मिला है, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं। नहीं, अभी जो मोहन यादव का जो मंत्रालय बना है, अभी तो मंत्री पद का खाली गठन हुआ है, नाम डिक्लेयर हुआ है, अभी आप आस नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आस नहीं छोड़ना, आस तो छोड़। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आस नहीं छोड़ना चाहिए। सबका अपना अपना मत होता है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, चाहे विधायक की बात हो, चाहे मंत्री की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो। अब ये तो आने वाले वक्त के साथ तय होगा कि क्या, जिस तरह से मुर्तजा भाई ने कहा कि संभावित लिस्ट में देवास का नाम आ सकता है या देवास जिले का नाम आ सकता है। नमस्कार।